दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स चौथा है कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम ऑक्सीडेस और लास्ट है, हमारा एफ नॉट एफ वन पार्टिकल से बना हुआ एटीपी सिंथेस विच इज कॉम्प्लेक्स फाइव बच्चों और मैं आ गई हूं आपके सामने एक सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इस एनिमेशन के थ्रू दिखाने दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हिच अकर्स वेयर इट अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो आखिर कैसे होता है क्यों एनसीआरटी का डायग्राम मुझे समझ नहीं आता है इस वीडियो के बाद आपको विजुअलाइज हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करें जर्नी तो वापस अपनी पत्ती में चलते हैं और पत्ती

अब हम शुरू करते हैं आगे कि इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में टोटल या कुल मिला के होते हैं पांच कॉम्प्लेक्स जो हमें पैसा बनाने में मदद करेगा ठीक है वो पांच कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वन है एनएडीएस डीहाइड्रोजिनेस दी दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डी तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स चौथा है कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और लास्ट है, हमारा F0, से बना हुआ, synthase, तो ये पांच है। जैसे कि अगर आप इनका नाम देखें बच्चों की यहां से एंट्री होने वाली एनएडीएच टू की और यहां से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट वाला उससे एंट्री होगी एफ एड टू की ठीक है तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हो रहा है कमाल तो यहां पे आप देखेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में एन जैसे ही एंटर करता है यहां से एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है देखिए जंपिंग हुई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो यहां के हाइड्रोजन को उठा के इंटरमेम्रेनस स्पेस में फेंक रहा है ये देखिए बच्चों ठीक है तो यहां से देखिए अब ये देखिए ये अब जब सारे के सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर थे वो वापस से एटीपी सिंथेस एंजाइम की मदद से अंदर आ रहे हैं और जब ये सारे हाइड्रोजन अंदर आते हैं एटीपी सिंथेस की मदद से तब एक मोटर घूमती है जिसके कारण एटीपी बनता है तो अगर यहाँ पे हमारे कितने हैं टेन एच प्लस मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है बच्चों और इन जब ये अंदर की तरफ मूव करेंगे तब हमें मिलेंगे हमारे थ्री एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन टू ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट अब यहां पे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एफडीएच टू है अब ये जो एफ टू है वो भी यहाँ पे एंटर करता है वो भी इसी तरीके से मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स को जिसके कारण हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाता है और जब ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं तो ये वापस से अंदर आते हैं तो ये बाहर और अंदर क्यों जा रहे हैं क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनाना है सॉरी प्रोटोन ग्रेडियंट बनाना है और जब ये ग्रेडियंट बनता है उससे एनर्जी डिराइव करने की कोशिश की जा रही है वेन दे मूव